हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको दुनिया की 10 जगहों के नाम पूछा जाए जहां आप घूमने का सपना देखते हैं, तो पेरिस उनमें से ज़रूर एक होगा। ये हम नहीं, यह फोर्ब्स कहता है। फोर्ब्स ने दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन घूमने लायक शहरों में पेरिस को तीसरा स्थान दिया है। हर एक प्रेमी जोड़ा चाहता है कि जिंदगी में एक बार वह एफिल टावर के नीचे कुछ बेहतरीन पल बिताए। एक ऐसा शहर जो पूरी दुनिया के कला प्रेमियों को रोमांचित करता है, जहां जाकर दुनिया का हर एक कलाकार खुद को पूरा महसूस करता है। एफिल टावर इस शहर और इस यूरोपीय देश की पहचान है। इसके बिना तो पेरिस की कल्पना करना ही असंभव हो जाएगा। इस ऐतिहासिक टावर को फ्रेंच क्रांति के 100 साल पूरे होने की खुशी में मनाए जाने वाले जश्न के लिए बनाया गया था। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि स्टील के बने इस बुर्ज को दुनिया इतना ज़्यादा पसंद करने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप पूरे परिवार के साथ पेरिस की यात्रा पर हैं, तो उनको खुश करने के लिए पेरिस के डिज्नीलैंड ले जा सकते हैं। 5 भागों में बटा हुआ यह थीम पार्क आपके बच्चों का मन खुश कर देगा। और कहीं आपके अंदर का बच्चा अभी बाकी है, तो आपके लिए भी यहाँ ढेरों आकर्षण है। 4,800 एकड़ में फैले हुए इस पार्क को वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने 1992 में शुरू किया था। पहले पहल यह स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन सैलानियों की बढ़ती दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए इसका विकास किया गया। ढेर सारे अलग अलग तरीके के झूले, राइड्स, लेजर शो और कार्टून कैरेक्टर्स की परेड आपके बच्चों के लिए एकदम नया अनुभव साबित होगा। इस थीम पार्क के 5 हिस्से हैं: फ्रेंसी लैंड, एडवेंचर लैंड, मेन स्ट्रीट USA, फ्रंटियर लैंड और डिस्कवरी लैंड। इसके अलावा आपको यहाँ डिज्नी के लोकप्रिय पात्रों जैसे एलिस इन वंडरलैंड, पीटर पैन, स्नो व्हाइट एंड 7 ड्रॉप्स थीम पर बने झूले और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज के भी दीदार होंगे। पेरिस की बात करें तो इसकी हर गली, हर कोना और हर एक दुकान इतिहास और पर्यटन के किसी किताब की तरह है। आप इसे जितना पढ़ते हैं उतना ही डूबते चले जाते हैं। यहाँ घूमने लायक अन्य महत्वपूर्ण जगह है: ओपेरा नेशनल द पेरिस, पैंथियन, कॉनकॉर्ड स्क्वायर पेरिस, लेस इनवैलिड्स, सेंट चैंपल गिरजाघर और आर्क ऑफ ट्रायम्फ भी हैं।